हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स में किलेट इफेक्ट की। ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का ही पार्ट चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ सीएफटी का ही पार्ट चल रहा है इन द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो हेडिंग लिखो किलेट इफेक्ट और एंट्रोपिक इफेक्ट। क्या पॉइंट क्या है कि कॉम्प्लेक्सेस हैविंग बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर हाईली स्टेबल। तो कॉम्प्लेक्सेस या कॉम्प्लेक्स हैविंग बाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट लिगेंड्स आर हाईली स्टेबल, ग्रेटर आर द किलेट नंबर ऑफ किलेटिंग रिंग्स ग्रेटर आर द नंबर ऑफ फाइव और सिक्स मेंबर्ड किलेटिंग रिंग्स greater will be the stability of complex। तो complex having bidentate or polydentate ligands are highly stable। अच्छा, stable होने का कारण क्या है? It is due to entropy increase by large amount when monodentate ligands are replaced by bidentate ligands। तो हम ये बात कह रहे हैं कि एंट्रोपी इंक्रीज बाय लार्ज अमाउंट, और एंट्रोपी इंक्रीज डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने में हेल्प करता है। कैसे? मैं एग्जांपल लेके बात करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मान लो कोई कॉम्प्लेक्स है, कोई मेटल एम है, अमोनिया का कॉम्प्लेक्स है NH3+X+। ये कोई कॉम्प्लेक्स है, इसकी आप रिएक्शन करा दो ईन से। एथिलीन डायमीन इज अ बाइडेंटेट लिगेंड, जबकि अमोनिया एक मोनोडेंटेट लिगेंड था। तो 6 के 6 अमोनिया डिस्प्लेस कर सकता है 3EN। अच्छा, हमने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर अमोनिया में भी नाइट्रोजन डोनर है और एथिलीन डायमीन में भी नाइट्रोजन ही डोनर्स हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स ऐसा बन गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला ही है, बट 3 लिगेंड्स आर इन्वॉल्व्ड इनटू इट, MEN3+X++6NH3। जरा देखना, यहाँ 4 मॉलिक्यूल्स हैं और 4 स्पीशीज, और यहां टोटल 7 हैं, 7 स्पीशीज। तो इसका मतलब यह हुआ कि ऑल टुगेदर डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए एंट्रोपी चेंज हाईली पॉजिटिव है, और आप तो जानते हो कि किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा जी, मान लो इस रिएक्शन का डेल्टा जी कुछ है, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा जी को नेगेटिव बनाना चाहते हैं, नेगेटिव हाईली, अगर इसका जितना हाईली नेगेटिव बनाओगे कंपाउंड विल बी मोर स्टेबल, ऐसे में आप क्या चाहोगे कि एंथैल्पी चेंज तो नेगेटिव हो और एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव हो, यही तो आप चाहोगे भाई। आप चाहते हो कि डेल्टा जी हाईली नेगेटिव हो, और ये तो पता ही है आपको, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है आपने कि किसी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा जी जितना ज़्यादा नेगेटिव होगा, प्रोडक्ट्स विल बी मोर स्टेबल। प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल मींस दिस कॉम्प्लेक्स जिसमें EN है विल बी मोर स्टेबल देन द कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग अमोनिया। तो यही बात तो हम कह रहे हैं यहाँ पर, दिस रिएक्शन में, इन दिस रिएक्शन डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव।
हालांकि डेल्टा एच इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट हियर. डेल्टा एच तो जो भी है ठीक है, बट एंट्रोपी चेंज इज सो हाईली पॉजिटिव दैट मेक्स डेल्टा जी हाईली नेगेटिव. फॉर दिस रिएक्शन, फॉर द अबव रिएक्शन, डेल्टा एस इज हाईली पॉजिटिव एंड मेक्स डेल्टा जी हाईली नेगेटिव एंड देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड by entropy change and hence called entropic effect. Or chelate effect. Chelate वाली complex है ना, chelate effect. तो ऑब्वियसली अगर डेल्टा जी काफी नेगेटिव है तो प्रोडक्ट विल बी मोर स्टेबल. प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल का मतलब वी कैन से दैट दिस इज मोर स्टेबल. इसका मतलब ये हुआ कि एम ई एन थ्राइस एक्स प्लस इज मोर स्टेबल थर्मोडायनामिकली देन एम एन एच थ्री सिक्स एक्स प्लस. समझ में आ गई बात. तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड किलेट इफेक्ट बिकॉज एंट्रोपी इंक्रीज इज सो हाई दैट मेक्स द डेल्टा जी द प्रोसेस हाईली नेगेटिव. उसकी वजह से इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट ऑल्सो विल बिकम हाईली पॉजिटिव और वेरी लार्ज एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन शिफ्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. सो द प्रोडक्ट स्पीशीज आर मोर स्टेबल देन द रिएक्टेंट स्पीशीज. दैट मीन्स दिस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स हैविंग द किलेट लिगेंड्स आर more stable than the monodentate ligand. So this is called entropic effect. Entropy ne control kiya or chelate effect. I hope you have understood the point. So reactions who are controlled by the high increase of the entropy are called entropic reactions or entropic effects. To ye tha entropic effect. Acha yahi pe ek baat aati hai. Iska matlab ye hua ke multidentate ligands, polydentate ligands jahan density 3-4 वाले कॉम्प्लेक्सेस हैं दे विल बी हाईली स्टेबल पर्टिकुलरली इफ दे हैव द रिंग्स ऑल्सो. तो दैट इज कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट पॉलीडेंटेट और मल्टीडेंटेट लिगेंड्स It has been observed that the polydentate or multidentate ligands form multidentate ligands having cyclic rings form highly stable complexes. Such ligands are called macrocyclic ligands and the effect is known as macrocyclic effect. देखो क्या बात कह रहे हैं इस बार. ये पाया जाता है कि कोई पॉलीडेंटेट लिगेंड या मल्टीडेंटेट लिगेंड में अगर ऑलरेडी रिंग्स हों हैविंग साइक्लिक रिंग्स देन सच कॉम्प्लेक्सेस मेक वेरी स्टेबल वेरी हाई स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस एंड सच लिगेंड्स आर कॉल्ड मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट एंड द इफेक्ट इज नोन एज मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट. इसमें इट इज एन extension or application of or application of
एंट्रोपिक इफेक्ट, वापस से ये एंट्रोपिक इफेक्ट ही है। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे एक ऑर्गेनिक लिगेंड होता है साइक्लैम, साइक्लैम कुछ ऐसा होता है NH CH2 CH2 NH CH2 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 एंड होल्ड ट्वाइस, ये एक साइक्लैम कंपाउंड होता है टेट्राडेंटेट। कुछ ऐसी स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये NH ये NH, ये NH ये NH, ये है। देखो ये जैसे निकल टू प्लस के साथ निकल टू प्लस को ये चारों नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट करते हैं, और देखो ये लिगेंड के अंदर ऑलरेडी साइक्लिक रिंग थी, पॉलीडेंटेट लिगेंड भी है टेट्राडेंटेट, और एक ऑलरेडी लिगेंड थी, तो एक तरीके से ये जो साइक्लैम हुआ दिस विल एक्ट एज ए मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। And this complex ion is highly stable, and this is known as macrocyclic effect. तो इस तरीके से ये याद रखते हो आप, ultimately entropic effect समझ गए आपको, entropy change is highly positive and controlling the reaction and making the delta G highly negative, and that makes the products more stable than the reactants. That's why you say that the compounds having the bidentate rings or more the number of rings will be high, more stable than the monodentate ligands. But ऐसा हमेशा नहीं होता, ये जब भी कंपेयर करना है जब सेम नेचर के डोनर्स हों। अमोनिया और ईएन को कंपेयर कर सकते हो, आप हर लिगेंड को कंपेयर नहीं कर सकते, आप ईएन को और साइनाइड को कंपेयर नहीं कर सकते। सी एन माइनस और सी ओ आर वेरी स्टेबल वेरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स एंड दे फॉर्म हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, इसलिए कंपैरिजन करते समय सही ध्यान रहें सिमिलर टाइप के डोनर्स होने चाहिए, जैसे अमोनिया एंड इन एथिलीन डाइएमीन। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, और भी एक दो पॉइंट्स आएंगे, जैसे नोट करके लिखें। जैसे फर्स्ट एम थ्री प्लस फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स then M2 plus with same type and same number of ligands. आप कह सकते हो कि कोबाल्ट का अमोनिया के साथ जो कॉम्प्लेक्स है NH3 6 3 plus, दिस इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट टू प्लस का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स। अच्छा रीजन क्या बोलोगे, टू प्लस तो रीजन क्या है, दिस इज मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। रीजन सीओ थ्री प्लस is smaller in size, then cobalt 2 plus, ये reason है। Obviously अगर central atom छोटा होगा तो उसके orbitals का size भी छोटा होगा, orbital का size छोटा होगा, same type का donor है, same type के ligands हैं, same type की geometry है, तो obviously जो bond बनेगा वो shorter बनेगा, और short bond means strong bond, और बॉन्ड जितने स्ट्रॉन्ग होंगे बिटवीन द सेंट्रल एटम एंड लिगेंड कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, विल हैव द हायर वैल्यू ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट। तो साइज फैक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, सेंट्रल एटम जितना छोटा बॉन्ड उतनी स्ट्रॉन्ग, कॉम्प्लेक्स विल बी मोर एंड मोर स्टेबल। अंडरस्टूड द पॉइंट, तो सीओ थ्री प्लस फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द सीओ टू प्लस एंड रेस्ट ऑफ द फैक्टर्स आर सेम, टाइप कितने लिगेंड्स हैं कौन से टाइप के हैं दैट फैक्टर शुड बी सेम।
और एक दो पॉइंट्स भी हैं, लेट अस टेक। जैसे सेकंड पॉइंट, अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं तो 3D सीरीज के डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं वो स्कैंडियम, टाइटेनियम, यहाँ से लेकर के जिंक तक हैं। तो प्लस टू की अगर बात करें तो M2+ आयंस ऑफ 3D सीरीज, जैसे स्कैंडियम तो बनाता नहीं, जैसे टाइटेनियम ले लो, टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, क्रोमियम 2+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनकी बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ M2+ कॉम्प्लेक्सेस विद सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ लिगेंड्स कैन बी कंपेयर्ड on the basis of size of N2+. The stability of the M2+ complex with same number and same type of ligands can be compared on the basis of the size M2+. Size of M2+ jitna kam, stability utni jyada. तो इसका मतलब यहाँ से अगर कंपेयर करना चाहें तो वी कैन से टाइटेनियम 2+, वेनेडियम 2+, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम क्यों नहीं ले रहे हैं, स्कैंडियम क्यों नहीं ले रहे हैं, स्कैंडियम 2+ अनस्टेबल होता है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, स्कैंडियम में कॉम्प्लेक्सेस +3 में बनते हैं। तो टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, बट कॉपर इज मोर देन जिंक, क्योंकि साइज ऑफ जिंक एंड कॉपर में जिंक का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है बिकॉज ऑफ द फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो इस कारण से ये ऑर्डर आता है एंड दिस इज कॉल्ड इरविंग विलियम्स। तो ये है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ M2+ कॉम्प्लेक्सेस। बाकी के फैक्टर सेम है कि टाइप ऑफ लिगेंड्स एंड नंबर ऑफ लिगेंड्स शुड बी सेम, ज्योमेट्री शुड बी सेम। तो ये है इरविंग विलियम सीरीज। ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये, ठीक है बस। अब जब बात कह रहे हैं तो पूरी बात कह दें हम, साइज फैक्टर। तो स्टेबिलिटी का बढ़ता हुआ है ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो कॉपर 2+ ए कॉम्प्लेक्सेस सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, रेस्ट ऑफ द फैक्टर सेम लाइक दिस। तो साइज जैसे जैसे कम हो रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ये बढ़ता हुआ क्रम है। जिंक का ऑर्डर थोड़ा सा कॉपर 2+ से कम होता है, तो कॉपर 2+ आजू बाजू वालों से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये थोड़ा ध्यान में रखना है। क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व कर देना, ये कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, इंपॉर्टेंट तो वही था एंट्रोपिक इफेक्ट। अब एक दो पॉइंट्स और भी मैं लूंगा एज ए नोट करके, ये पॉइंट्स लिख रहे थे हम नोट करके। कौन सा नंबर था ये, 2 था या 3 था वो देख लेना, पॉइंट्स थे ये तो नोट लिख रहे थे ना, 2 नाउ 3। अब जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोबाल्ट 2+ आयन in aqueous medium is more stable than cobalt 3+ aqueous. Important point. However, CO3+ forms very highly stable complexes. Complexes with strong field ligands
ड्यू टू हाई CFS रिलीज्ड. जरा ध्यान दो, मान लो कोई कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट मान लो ये H2O. अब पानी में जो एक बात ध्यान रखो, कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, कोई भी आयन जो है पानी में फ्री फॉर्म में ना होता, पानी तो है ही और पानी लिगेंड की तरह वर्क कर सकता है, तो इट विल ऑलवेज बी द एक्वा कॉम्प्लेक्स. और एक्वा कॉम्प्लेक्स बड़े लेबाइल होते हैं, आसानी से ये डिस्प्लेस हो जाता है बाई द अदर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स. तो मान लो जैसे ये था कोबाल्ट 2+, आप इसमें अमोनिया मिला दो, एक्वस अमोनिया या गैसियस अमोनिया, और एयर ब्लास्ट रखो इसमें, तो एग्जॉस्ट बाय एयर, तो एटमॉस्फेरिक एयर एयर या O2 सप्लाई करो फॉर सम टाइम, तो क्या होगा, दिस विल एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बहुत इजीली इसको ऑक्सीडाइज करके कोबाल्ट 2+ और कोबाल्ट 3+ में कन्वर्ट कर देगा, और 3+ बड़ी आसानी के साथ अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा लाइक दिस, CONH3+6 3+. सो लाइक दैट इट विल फॉर्म, बड़ी आसानी के साथ इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स कोबाल्ट 3+ प्लस 6H2O विल बी डिस्प्लेस्ड, और साथ में एक इलेक्ट्रॉन भी आएगा. ये बहुत ही एक नॉर्मल बड़ी अच्छी रिएक्शन है, बड़ी आसानी के साथ O2 जो है वो ऑक्सीडाइज कर देता है कोबाल्ट प्लस 2 को कोबाल्ट 3+ में इन प्रेजेंस ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स. हालांकि इस सब की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन तो एडजस्ट हो गए होंगे, O2 का रिडक्शन भी तो हुआ है, अगर कोबाल्ट 2+ का ऑक्सीडेशन हुआ है तो O2 का रिडक्शन हुआ होगा अकॉर्डिंगली, तो इलेक्ट्रॉन के लिखने की जरूरत नहीं है, छोड़ दो हटाओ. सो दिस इज अ कॉमन रिएक्शन, सो दिस इज अ हाईली स्टेबल कॉम्प्लेक्स, मोर स्टेबल देन दिस वन. तो कोबाल्ट 3+ के साथ में हमने पढ़ा भी था इवन वाटर और ऑक्सिलेट जैसे वीक फील्ड लिगेंड्स भी स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करते हैं, क्यों, क्योंकि CFS रिलीज्ड इज कंसिडरेबली हाई. D6 कॉन्फिगरेशन ऐसा हो जाएगा यहां CONH3+6 3+, इसमें कोबाल्ट 3D6 है तो कॉन्फिगरेशन T2G 2-2-2 EG 0-0. जरा CFSC देखना, CFSC फॉर दिस कॉम्प्लेक्स वुड बी 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन में एक पेयर तो बनता, दो एक्स्ट्रा बन रहे हैं, तो -6 × 24 2.4 डेल्टा O प्लस 2P. और ऐसे केसेस में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्प्लिटिंग की वैल्यू काफी ज्यादा होगी, तो डेल्टा O विल बी मच लार्जर देन पेयरिंग एनर्जी इन दिस केस. ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग काफी ज्यादा है तो अंदर पेयरिंग हो जाती है, और पेयरिंग होने के कारण अच्छा खासा ये एनर्जी तो काफी स्मॉल ही है, तो इसका मतलब CFSC इज हाईली नेगेटिव हाईली. और मैंने तो कहा ही था CFSC जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी इट विल हेल्प स्टेबिलाइजिंग द कॉम्प्लेक्स. तो देखो स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नो इट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स. कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सर कहीं तो आप CFSC बोल देते हो, कहीं बॉन्ड की स्ट्रेंथ बोल देते हो, कहीं मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट बोल देते हो, कहीं एंट्रोपिक इफेक्ट बोल देते हो, तो देर आर सो मैनी रीजन्स फॉर द स्टेबिलिटी. तो एक तरीके से मैं लिख भी दूं थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ अ कॉम्प्लेक्स डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स लाइक, सबसे बड़ा फैक्टर तो बॉन्ड स्ट्रेंथ है. बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन लिगेंड एंड सेंट्रल एटम, लिगेंड एंड सेंट्रल एटम के बीच में बॉन्ड स्ट्रेंथ प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल. मेजर फैक्टर तो यही है. सेकेंड फैक्टर इज लाइक एंट्रोपिक इफेक्ट और किलेट इफेक्ट, ये भी अच्छा खासा एक कंट्रीब्यूशन फैक्टर है, और लाइक हाई CFSC रिलीज्ड, दिस इज अनदर फैक्टर. बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स
एंड लाइक दैट यू कैन से ज्योमेट्री इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई किस ज्योमेट्री में जा रहा है कॉम्प्लेक्स. ऑल दिस फैक्टर्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर डिसाइडिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स. तो ये थे एप्लीकेशन ऑफ सी एफ टी. वी हैव फिनिश्ड. सी एफ टी इज कम्प्लीट विद रिस्पेक्ट टू एवरी थिंग. अब हम तीसरा पार्ट चैप्टर कर लेंगे. एक और होता है मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी MOT ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. नहीं है सिलेबस में, नहीं पढ़ना है, सोचना भी नहीं है. समझ गए बात को? हो गया बहुत. इसे अच्छे से पढ़ो. You will be able to solve every question, you know. Believe me, believe yourself. That's it for now. Baki ki cheeze, isomerism, we shall start in the next video lecture.